आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वजीर सफीरान अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं कतर से अच्छे ताल्लुकात हैं, सफीर से मुलाकात को गलत रंग ना दिया जाए। तलोर के शिकार की इजाजत से मुतालिक खबरें झूठ हैं, अगर ऐसा साबित हो गया तो कौम से माफी मांग लूंगा। के वफ के हमरा बलोचिस्तान हाउस में वजीर सैफरान से मुलाकात हुई। वफ ने कतर की जानिब से पाकिस्तान को 10 एम्बुलेंसेस का तोहफा भी दिया। इस मौका पर अब्दुल कादिर बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमीर कतर को शिकार की दावत दी गई थी, वो पाकिस्तान आने की ख्वाहिश भी रखते थे, तहम मीडिया में तलोर के शिकार की इजाजत देने की झूठी खबरें फैलाई गयी। उनका कहना था की हमने किसी से तलोर तोहफे के बारे में झूठ नहीं बोला, अगर झूठ साबित हुआ तो कौम से मुआफ़ी मांगेंगे। हेलीकॉप्टर देने के बंदोबस्त करने के लिए तैयार हो, उस इलाके में जाने के लिए, वहां पर जाए, वहां पर देखे, एक आदमी अगर उस इलाके में ऐसा निकला जो ये कहे कि मुझे मेरे घर से निकाला गया या मेरे फसल को खराब किया गया या हमें कोई तकलीफ दे दी, मैं सियासत से हमेशा के लिए मैं अपने दस्तबरदार हो जाऊंगा, सीट वजारत भी छोड़ दूंगा और पूरी कौम से भी माफी मांगूंगा इस मकसद के लिए। देखिए, इस किस्म के गलत प्रोपेगेंडे कर लेना, अपने भाइयों के लिए बैड ब्लड फैला लेना, ये मुनासिब नहीं है। विफाकी वजीर का मजीद कहना था कि खारान और वाशो का इलाका वसी है, जहां तिबी सहूलियात की फरामी से मुतालिक बात हुई थी। कतर की तरफ से 10 एम्बुलेंसेस का तोहफा मिला, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं।